शांता, शबनम, चलो चलो तालाब पे बिरजू आ गया। कुछ हुआ था? एक्सक्यूज मी मैडम, एसी निगम को पता है? हाँ तो उन्हीं से करवा लो, कुछ वा लो। मैडम आप समझी नहीं, मैडम हमें ना FIR लिखवानी है। yes! कचौड़ी में अजवाइन है। क्या कह रही हैं आंटी, कचौड़ी में अजवाइन है? वैसे ये जो कचौरी है जिसमें अजवाइन है वो किस चीज की कचौरी है? मतलब मुझे कचौरियाँ बहुत पसंद है इसलिए पूछ रहा हूँ। मतलब आलू की कचौरी है या दाल की कचौरी है या प्याज की कचौरी है? मैं तेने ना घोलती कढ़ाई में डुबा दूंगी, मैं उतार दूंगी कचौड़ी की तरह, स्विमिंग कर लियो, हिल लियो, फिर मोहल्ले वालों को खिलवा दूंगी मैं, सब खाएंगे गुलगुले कचौड़ी बदहजमी में, फिर मरेंगे सब। सॉरी वेल ब्रो, नेम तुम्हारा क्या है? नाम इज़दा, सरदर्द मेरे हुआ, सास ने अपने सर पे लगवाया मुझसे बाम इज़दा। नाम एसी निगम को पता है? अंकल जी आप जरा चलते बनिए। नहीं नहीं, पब्लिक उकसावे है और फिर यो बोले है कि भैया पुलिस जरूर, पुलिस पीटती, पुलिस बदतमीजोरी। चलिए निकलिए आप। एक मिनट मैडम, मैडम वो क्या है कि ये तो है ही ऐसे, जन्म से ये कटल के छिलके जैसे। कचौड़ी में अजवाइन है, नाम हो रहा है मैडम मीनू। क्या अंकल का नाम मीनू है? तो आपका क्या नाम है? महेश। अरे हमारी बिटिया का नाम है मीनू, हमारा नाम है बालेश्वर प्रसाद गुप्ता। ये भी कोई खास नाम नहीं है। एसी निगम को पता है? मैडम मैं हो रही हूँ विद्या गुप्ता, इनकी वाइफ। कचौड़ी में अजवाइन है मैडम, आज तारीख 9 है और तारीख 8 से कॉलेज के गेट से हमारी बिटिया गायब हो गई। कचौड़ी में अजवाइन है। वेल आंटी, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम एसी निगम को पता है? मीनू कल कॉलेज पढ़ने गई थी, जो कि वो रोज जाती है और शाम को घर लौट आती है, लेकिन कल शाम को वो घर नहीं लौटी है। एसी निगम को पता है? उसके कॉलेज जाने का आने का क्या टाइम हो रहा? रात को 12 बजे। मतलब नहीं, मतलब कि वो दोपहर को 12 बजे जाती है कॉलेज में पढ़ने के लिए। वो 18 कॉलेज है ना, जहाज बिल्डिंग के आगे, वहाँ पे वो पढ़ने जाती है और शाम को 6 बजे वो घर लौट आती है, लेकिन वो कल से मैडम घर नहीं लौटी है। एसी निगम को पता है? तो उसके लौटने का टाइम 6 बजे है और वो कल शाम को 6 बजे लौटी नहीं, और आप आ जा रहे हैं यहाँ चौकी में FIR लिखवाने, मतलब पूरी रात से वो गायब है। वो क्या है ना भैया कि हमारी बिटिया भी इससे पहले भी कई कई बार रात भर घर से गायब होती रही है, लेकिन सुबह वो हर हालत में अपने यार दोस्तों के साथ पार्टी मना के घर आ जावे थी, तो हमने कहा इस बार भी आ जाएगी, लेकिन जब इस बार ना आई तो हमें चिंता सताई। हमने कहा भैया चल के सबसे पहले रपट लिखा दे, बाकी बाद में देखी जाएगी। कचौड़ी में अजवाइन है। गोपी। या मॉम। एवरी डॉग हैज हिज डे, ऐसा अंग्रेजी में कहावत चिल्ड्रन, मतलब जब मैं बच्ची थी तब सिखाई गई थी, आज उसको लागू करने का टाइम आ गया है। थारा डे आ गया आज, आज तू कॉलेज जाएगा। मामले की छानबीन करने देखना जरा, बुढ़ऊ के एकदम हिलो रहे, उठ रहे जवानी के, वैसे मुंह में बिल्कुल झर रहे एक एक करके दांत। ओके Well, sir, यहाँ है चारों तरफ हरियाली इज़दा, मुझको देख के मुस्कुराती है हांडा साहब की साली इज़दा। अबे तमीज़ से रहो बे, यहाँ हम लड़कियाँ देखने आए हैं? यहाँ हम लड़कियाँ देखने थोड़ी ना आए, यहाँ पर हम केस सॉल्व करने आए हैं। वो लड़की जो गायब हो गई है मीनू, उसको ढूंढने आए, लड़कियाँ देखने थोड़ी ना आए यहाँ पर। गुड ड्रेस सर। थैंक यू, गुड चॉइस यू हैव। अबे अबे तमी से बात करो बे। गुड ड्रेस। काम करते हैं अभी। या किसको ढूंढना है, नाम क्या उसका? मीनू। हाँ मीनू, मीनू का पता लगाते हैं।
हाँ ढूंढो कोई अच्छी शरीफ लड़की आ रही, उनसे पूछताछ करते हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, मैडम हाउ डू यू डू, आपको समझाते कि तमीज से कैसी बात करते। हेलो माई सेल्फ चीफ गुज्जा, अंदर गुज्जा। ओ भाई माई सेल्फ चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे फ्रॉम इमान चौकी, हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। हाँ पूछिए, क्या पूछना है आपको? Well, baby, I am Gops. हमने लेनी है आपसे कुछ जानकारी इज्दा, आप दोनों की शक्ल है बड़ी प्यारी इज्दा। सच? वैसे आप भी बिल्कुल मेरे दादाजी की तरह दिखते हैं। Well, शक्ल से दिखता हूँ मैं दादा इज्दा, लेकिन मेरी उम्र नहीं है ज्यादा इज्दा। सर 90 साल का बुढ़ा हूँ। कैरी ऑन कर ले पूछताछ। या प्लीज। देखिए महिलाओं, हमें आपसे ये पूछताछ करनी है कि एक लड़की है जिसका नाम है मीनू, जो आपके कॉलेज में पढ़ती है, ये रही उसकी फोटो। अरे ये तो हमारी क्लास में पढ़ती है, मीनू माखीजा नाम है इसका, लेकिन आज ये कॉलेज नहीं आई है। हाँ हम जानते हैं कॉलेज नहीं आई है, कल इसके माँ बाप भी आए थे चौकी FIR लिखाने के लिए, घर भी नहीं पहुंची कल रात को ये। तो इसके बारे में जरा हमें बता दीजिए प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, कि आप जानते हैं इसके बारे में? हाँ पूछिए, आपको जो भी पूछना है मैं बताऊंगी। Well, क्या मीनू का था किसी के साथ लप्पा झप्पा इज्दा, टेंशन में है मीनू के मम्मी पप्पा इज्दा है। अब मीनू का किसी के साथ क्या है हमें ये तो नहीं पता, पर ये जरूर पता है वो अक्सर अविनाश के पीछे बाइक पे बैठ के जाती है। ये अविनाश कौन है? अरे सर हमारी क्लास में पढ़ता है, बहुत ही अजीब लड़का है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है वो, पर पता नहीं मीनू को क्या है हमेशा उसी के साथ बाइक पे जाती है। Well, sir, पकड़ना होगा अविनाश इज्दा, मेरी सास मुझे कहती है मैं आदमी हूँ एकदम बकवास इज्दा। करेक्ट। अच्छा अविनाश कहाँ मिलेगा वो भी बता दो साथ में। सर वो रहा अविनाश, वो जो पागलों जैसी हरकतें कर रहा है ना वही है, इडियट। शुक्रिया। मैंने क्या किया इंस्पेक्टर? Well bro, told him where is Meenu is the, मेरी एक गर्लफ्रेंड का भाई है Teenu is the। Meenu? अबे! हमने तुझसे साफ साफ पूछा मीनू का जवाब दे बे। देख तू स्टूडेंट है, हम स्टूडेंट पे हाथ ना उठाते, पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दे, ये सब चीजों में ना पढ़, हमसे ना उलझ, समझे? बता मीनू का है। इंस्पेक्टर मीनू को उसके घर पे जाके ढूंढो, वह वहीं पर होगी। Well, वो नहीं है अपने घर इज्दा, अपनी सास से लगता है मुझे डर इज्दा। क्या मीनू घर नहीं पहुंची? सर स्वीट बह रहा है। स्वीट? या दिस वन। तुम्हारे माथे पे जो पसीना है ना भैया, ये साफ कह रहा है कि मीनू के गायब होने में तुम्हारा हाथ है भैया। ये झूठ है साहब, सरासर झूठ है। झूठ? हम झूठ कह रहे हैं? तो ये भी झूठ है कि मीनू तुम्हारे साथ बाइक पर घूमती थी। ये भी झूठ है कि जिस दिन मीनू गायब हुई उस दिन तुम्हारे बाइक पर देखी गई थी बे, हैं? सब झूठ है। ये सच है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन उसके गायब होने का जिम्मेदार मैं नहीं, उसका जिम्मेदार कोई और है। वाला हुदा शीदा आर इज्दा, दुश्मनों का दुश्मन या यारों का यार इज्दा। साहब ये बात सच है कि मीनू को मैं अपनी सेकंड हैंड बाइक पर बिठाता था, लेकिन मैं उसे उस जुगल से मिलवाने ले जाता था। करियर बॉय? जुगल कौन है? साहब जुगल वो है जिससे मीनू प्यार करती है। उस दिन भी मीनू ने आकर मुझसे कहा कि उसका जुगल से मिलना बेहद जरूरी है, मैं उसे अपनी सेकंड हैंड बाइक पर बिठा कर जुगल से मिलवाने नीबू पार्क ले गया। साहब जुगल का एड्रेस दे दे इसको बे, हम पता लगाएंगे जुगल कहाँ है।
अबे अंकल जी, कब से हम ढोक रहे हैं, आप खोल का ही नहीं रहे हो बे। आधे घंटे से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था पर अंगड़ाई मार गई। नशा डाला, काफी आलसी किस्म का अंकल है। अंकल थोड़ा एनर्जी रखने का, बॉडी में इतना आलस होना अच्छी बात नहीं है। वाव 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 वाव। अंकल जी, लौंडा कहाँ है तुम्हारा? जुगल जुगल जुगल। अरे जुगल के बारे में बताने के लिए तुम्हें कल से चौकी आने की कोशिश कर रहा था, तो आई नहीं पाया क्योंकि अकड़ाई मार गई। वो जुगल कल से घर नहीं आया। घर नहीं आया वो? तुम्हारा लौंडा कल से घर नहीं आया है, मतलब गायब है? देखिए वो ऐसा करता नहीं है, पर पहली बार वो कल से घर से गया हुआ है। तो अंकल जी, कल से मतलब आप घर में अकेले हैं, सोलो बैचलर लाइफ है? अरे कल से क्यों है? क्या निकल गई सर? सर सॉरी सर, कल से क्या, जब से जुगल की माँ दूध वाले के साथ भाग गई तब से अकेले हूँ, अंगड़ाई मार गई। क्या बात करें अंकल, मतलब आंटी दूध वाले के साथ भाग गई? दूध? अरे दूध वाला क्या, इसके पहले धोबी और माली दोनों के साथ भाग गई थी, पर वापस आ गई थी, पर ये दूध वाला जो है वो उसको रखे बैठा। Well, किस्मत वाले हैं आप कि आपकी बीवी गई है भागीदा, मेरी बीवी निकाल देती है मेरी झागीदा। मैं तारी बीवी ने फोन कर रही हूँ। No, no, carry on. अरे ओ अंकल जी, तुमसे मैं ये पूछ रही हूँ, तुम्हारा बेटा जो है कल से घर नहीं आया, गायब है और तुम अकेले हो, मतलब एकदम सोलो चल रहे हो, कोई मिलने मिलने भी नहीं आया। कोई नहीं आया, आप लोग आए और अंगड़ाई आई है, अंगड़ाई मार गई। अच्छा साढ़े दस बजे चिटपुटियागंज, कहीं ऐसा तो नहीं कि जुगल आज रात साढ़े दस बजे चिटपुटियागंज में मिलेगा? सर किसके साथ छोड़ दिया आपने हमें? छोड़ा अकड़ाई मार गई। मिस चौटाला, कहीं बंद कहीं है? नो सर। आपने तो कहा था वो जुगल आ जाएगा साढ़े दस बजे, वो तो ना आया चिटपुटियागंज में। सर देखिए, मन लग रहा है कि कल नहीं आया कोई बात ना है, लेकिन आज जरूर आ जाएगा सर। हैं? यस सर। आ जाएगा? तो फिर चलेंगे, आज चल जाएंगे, उसमें क्या है। हाँ लेकिन सर, उससे पहले आपको जरा उसके डैडी को एक बार फिर से हेलो बोलने जाना पड़ेगा। प्लीज प्लीज प्लीज। क्यों डाला उसके? अरे अरे कोई कोई नहीं, चले जाएंगे चले जाएंगे। व्हाट इज दैट?
सर कुछ पड़ा वहाँ? अबे पड़ा नहीं है, वही आलसी अंकल है भाई, ज्यादा बात नहीं करना, सो जाओगे। हाँ सर यही है सर, अंकल है अंकल, ये रहे सर जिंदा है। अंकल जी नमस्ते, नमस्ते अंकल जी। अंकल जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपकी कुछ जमा पूंजी वगैरह है बुढ़ापे के लिए, मतलब कि कुछ कहीं से पैसे वैसे आ जाते हैं इतने, कुछ नौकरी धंधा जिससे कि आपकी दाल रोटी चल जाए। ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अंगड़ाई मार गए। ये सब इसलिए पूछ रहे क्योंकि जब एक जवान लड़का, किसी का जवान बच्चा जेल चला जाता है तो बूढ़े लोग को घर चलाने के लिए पैसे वैसे जरूरत पड़ती है। देखिए मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि आप लोग बिना मतलब जुगल पे छक का खीरा काट रहे हैं, क्योंकि वो हीरा है। अंगड़ाई मार गई। नहीं नहीं करेक्ट करेक्ट है अंकल, वो तो हीरा है, लेकिन जो जेल है ना वो अंगूठी है, और बहुत जल्द आपका ये हीरा जेल की अंगूठी में सजने वाला है। सच सच बताइए कहाँ है जुगल? अंकल जी देखिए हम लोग ना बहुत सीधे भोले भाले पुलिस वाले हैं, इसलिए हम लोग आपसे बहुत ही प्यार से आपकी उम्र और आपकी अंगड़ाई का लिहाज रखते हुए सवाल कर रहे हैं। अब आप हमको मजबूर मत कीजिए कि हम लोग आपके साथ ना सख्ती करें। बेटा ऐसा है, तुम लोग सख्ती करो या भक्ति करो, जब मुझे पता ही नहीं है कि जुगल कहाँ है तो मैं क्या बताऊं? अंगड़ाई मार गई। Well, sir, she is very जिद्दी is the, बड़े मियां को ले चलते हैं, पीछे आएगा पिद्दी is the। अबे क्या बात की बे, क्या गोपी? I don't believe this। क्या तूने हमारा दिल जीत लिया बे, साथ साथ में हमारी नींद भी उड़ा दी तूने, वरना ये तो सुला देता बे हमको। Thanks, lot is the, आज बर्तन धोने का पानी था बहुत hot is the। वो सब छोड़ो अब यार, इसे चौकी लेकर आओ, गाड़ी में बैठा, हम इसका नहीं रह सकते, हम सो जाएंगे यहाँ पर। नहीं लाते हैं। चलो अंकल। ओ कौन है? चलो ए बिल्लू सो देती जरा। अंकल अंकल सुला दिया आपने। चौकी चलो, चौकी आ जाओ चलो। वेल कब आएगा जुगल इस दा, कब बजेगा उसकी गिरफ्तारी का बिगुल इस दा? मैडम कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पता चल गया हो कि हम यहाँ आ रहे हैं और वो आई ही ना? हाँ जरूर, उसके आलसी बाप ने थोड़ी मेहनत करके उसको बता दिया होगा कि हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं। अबे बाप तब बताएगा ना जब बाप को यो पता हो कि मैंने कागज का इम्प्रिंट पढ़ लिया था जिसपे लिखा था 10:30 बजे चिटपुटिया गंज। मिशोडाला आपने बोला नहीं कि वो आ गया वहां से? देखिए For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.